नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे बात करने वाले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंपोर्टेंट नर्सिंग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाले जितने भी नर्सिंग के एग्जाम हैं, UPPSC, NORSET 5, देन KGMU नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, तो इनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो क्वेश्चंस नंबर 51 के बारे में अगर बात करें तो विच वेन इज कॉमनली यूज फॉर द सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट इन क्रिटिकली इल पेशेंट। एक क्रिटिकली इल पेशेंट है, उसके लिए कॉमनली कौन सी वेन यूज करते हैं सेंट्रल लाइन के लिए? तो चार ऑप्शंस आपके पास है, सिफेलिक वेन, रेडियल आर्टरी, सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सबक्लेवियन वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, आइडेंटिफाई द मास्क सीन बिलो। तो जो मास्क यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। चार ऑप्शंस आपके पास है, फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, नेजल प्रोंग एंड नेजल कैनुला। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है। ये क्या, कौन सा मास्क है? वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड जो रेट, फिक्स रेट ऑफ ऑक्सीजन से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द मेन्यूवर। तो ये किस प्रकार का मेन्यूवर आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसके अंदर चार ऑप्शन है। पहले डायग्राम को देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक नर्स है, तो नर्स यहाँ पे क्या कर रही है, ये इसको जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें नर्स एक हाथ से पैर को यहाँ पे होल्ड किए हुए है और वन एंड से यहाँ पे सेकंड जो एंड है इसे यहाँ पे पुश कर रही है। तो इस प्रकार से बेबी यहाँ पे बाहर आ रहा है। तो इसका कौन सा मेन्यूवर है, कौन सी पोजीशंस रहने वाली है? चार ऑप्शंस है, लियोपोड मेन्यूवर, फंडल ग्रिप सेकेंड, मेक रॉबर्ट मेन्यूवर एंड बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर्स रहने वाला है ऑप्शन सी, मेक रॉबर्ट मेन्यूवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ए क्लाइंट विथ पल्मोनरी इडिमा एंड कार्डियक फेल्योर पर्सन नोटेड डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, व्हाट विल द एडिशनल सिम्टम्स इज एक्सपेक्टेड ऑन द असेसमेंट। तो एक पेशेंट है पल्मोनरी इडिमा और कार्डियक फेल्योर, उसको डिजीज़ है, तो उसके अंदर नोटेड हो रहा है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है और एडिशनल जो सिम्टम्स है तो वो आपको क्या देखना है। चार ऑप्शन है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्रेकल्स, CVP लेवल चेंजेज, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर से इसका रहने वाला है ऑप्शन बी, क्रेकल साउंड। क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ TPN। TPN होता है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशंस। तो इसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस जो देखा जाता है, चार ऑप्शन है, डायरिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर रहने वाला है हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मोंटेक्स टेस्ट इज टेकन इन एड्स पेशेंट, व्हाट इंड्यूरेशंस यू विल कंसीडर्ड पॉजिटिव। तो मतलब मोंटेक्स जो टेस्ट है एड्स पेशेंट के लिए यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, तो इसके अंदर जो इंड्यूरेशंस है, जो इंड्यूरेशंस जो रहने वाला है वो कितना रहता है, तो कैसे आप इसको पॉजिटिव बोलने वाले हो। तो चार ऑप्शंस आपके पास है, 7 mm, 11 mm, 15 mm और 10 mm। तो चार ऑप्शंस में से एक राइट आंसर्स आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है, ये राइट आंसर्स आपको देना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 57, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ IV ड्रिप। आईवी ड्रिप जो चेंबर है उसका प्राइमरी रोल इन द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन सेट। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन सेट के अंदर जो आईवी ड्रिप चेंबर है उसका प्राइमरी रोल क्या रहने वाला है, तो वो बात करते हैं। तो ये आईवी ड्रिप हो चुका है, इसका जो आईवी ड्रिप चेम्बर्स जो होता है इसका प्राइमरी रोल क्या रहने वाला है। ऑप्शंस फर्स्ट है, टू होल्ड मेडिकेशंस बिफोर इन्फ्यूजन्स, सेकंड टू मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन, टू रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ द आईवी फ्लूड, टू मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ आईवी फ्लूड इन्फ्यूजन्स। तो राइट आंसर्स यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन सी, टू रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ द आईवी फ्लूड। जो आईवी फ्लूड है उसका फ्लो रेट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे जो आईवी ड्रिप चेम्बर्स है इसका मोस्ट कॉमनली यूज यहाँ पे किया जाता है। प्राइमरी रोल इसका यही रहने वाला है कि ये जो आईवी फ्लूड का जो फ्लो रेट है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट। तो कौन से पेशेंट है उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है उसको अवॉइड किया जाता है। चार ऑप्शन है, टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव, जो पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, पेशेंट विथ अस्थमा वाला पेशेंट, पेशेंट विथ डायबिटिक मेलाइटस और पेशेंट विथ हार्ट डिजीज। तो कौन सा ऐसा
डिजीज वाला पेशेंट है जिसको ये अवॉइड की जाती है ओसीपी। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन डी, पेशेंट विथ हार्ट डिजीज। तो ये क्या करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशंस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड नॉट बी गिवंस टू वुमन्स ओल्डर देन 35 ईयर हु आल्सो स्मोक बिकॉज देर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट इन दिस वुमन्स और टू वुमन्स हु हैव हाई ब्लड प्रेशर्स, हार्ट डिजीज, माइग्रेन विथ ओराज, लीवर प्रॉब्लम और वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल की और हिस्ट्री ऑफ द ब्लड क्लॉट का जो पेशेंट है उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो वहाँ पर अवॉइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, विच लिगामेंट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द यूट्रस एंड सर्विक्स। यूट्रस और सर्विक्स को कौन सा लिगामेंट है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राउंड लिगामेंट्स, ब्रॉड लिगामेंट्स और रूबोसेक्रल लिगामेंट्स, कार्डिनल लिगामेंट्स। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है जो यूट्रस प्लस सर्विक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो कार्डिनल लिगामेंट यहाँ पे इसका राइट आंसर है। जो ये क्वेश्चंस जिपमेर के अंदर यहाँ पे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है 2022 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आफ्टर द नर्स इंस्टिल एट्रोपिन ड्रॉप इन टू द बोथ आइज फॉर क्लाइंट अंडर गोइंग ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वुड बी गिवन टू द क्लाइंट्स। एक नर्स है इंस्टिल कर रही है एट्रोपिन ड्रॉप्स जो कि आई ड्रॉप है ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशंस के लिए, तो नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देने वाली है। चार ऑप्शन है, बी केयरफुल यूजिंग द ब्लिंक रिफ्लेक्स इज पैरालाइज, अवॉइड वियरिंग रेगुलर ग्लास व्हेन ड्राइविंग, बी अवेयर दैट द पीपल मे बी अनयूजअली स्मॉल, वियर डार्क ग्लासेस इन द ब्राइट लाइट्स बिकॉज द पीपल्स आर डायलेटेड। तो चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर इसमें रहने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि जो पीपल यहाँ पे डायलेट हो चुकी है तो आपको क्या करना है, जो लाइट एरियाज ब्राइट जो लाइट है इसके अंदर आपको डार्क ग्लासेस पहनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द नर्स इज डेवलपिंग ए टीचिंग प्लान फॉर ग्लूकोमा क्लाइंट्स। ग्लूकोमा जो क्लाइंट है उसके लिए एक टीचिंग प्लान तैयार कर रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस द नर्स शुड इंक्लूड इन द प्लान ऑफ द केयर। तो कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस है जो प्लान ऑफ द केयर के अंदर इसको इंक्लूड करना है, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर्स के बारे में बात करेंगे, चार ऑप्शंस पहले बात करते हैं, डिक्रीज फ्लूड इंटेक टू कंट्रोल आईओपी, अवॉइड अवर यूज ऑफ आईज, डिक्रीज अमाउंट ऑफ साल्ट इन द डाइट और आई मेडिकेशंस नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द लाइफ लॉन्ग। तो ग्लूकोमा की जो मेडिसिन रहती है वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इसको चलता है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शंस डी रखना है, क्योंकि जो इसकी ग्लूकोमा की जो मेडिसिन है लाइफ लॉन्ग का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्लान है वो इसमें रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द मेडिकेशंस टू ट्रीट एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा इज। एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा की जो मेडिसिन है ट्रीटमेंट करने के लिए वो कौन सी रहने वाली है, तो राइट आंसर यहाँ पे एसिटाजोलामाइड। एक्यूट नैरो एंगल जो ग्लूकोमा है उसकी मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, टोनोमेट्री इज परफॉर्म्ड टू क्लाइंट्स इज सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ द ग्लूकोमा, द नर्सेज अंडरस्टैंड द नॉर्मल आईओपी। तो नॉर्मल एक पेशेंट है उसका टोनोमेट्री से जो ग्लूकोमा डायग्नोसिस है उसका सस्पेक्टेड उसको मिलता है, तो इसमें पूछा गया कि नॉर्मल इंट्राओकुलर जो प्रेशर है वो कितना रहने वाला है। चार ऑप्शंस आपके पास है, चार ऑप्शंस में से राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो ऑप्शंस बी 10 से 21 जो mm ऑफ HG, ओके mm ऑफ HG इसका आईओपी का नॉर्मल रेंज होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द क्लाइंट्स अराइविंग टू इमरजेंसी रूम इन द पेनिट्रेटिंग आई इंजरी फ्रॉम वुंड चिप्स वाइल कटिंग द वुंड। एक पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आता है और उसकी आई के अंदर एक जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो धस चुका है, तो नर्सेज नोट्स ए पीस ऑफ वुड इज प्रोटेक्टिंग प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द आईज, व्हाट विल बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो नर्स वहाँ पे नोट करती है कि जो वो पीस का टुकड़ा है वो उसकी आँख के अंदर जा चुका है, तो व्हाट विल बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन नर्सेज का क्या रहने वाला है। चार ऑप्शंस है, रिमूव द पीस ऑफ द वुड बाय यूजिंग स्टाइल आई क्लैंप, देन सेकंड है अप्लाई एन आई पेच, थर्ड है परफॉर्म विजुअल एक्विटी टेस्ट एंड डी है इरिगेट द आई विथ स्टाइल वाटर। तो आपका क्या एक्शन यहाँ पे रहने वाला है, प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी परफॉर्म विजुअल एक्विटी टेस्ट। आपको यही करना है कि जो उसका विजुअल एक्विटी जो टेस्ट है वो आपको परफॉर्म करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द रिजल्ट ऑफ स्नेल चार्ट इज डॉक्यूमेंटेड एज 20/60, द नर्स इंटरप्रीट दिस एज। तो एक स्नेल चार्ट है, उसका रिजल्ट क्या डॉक्यूमेंटेड होता है 20/60, तो नर्स क्या इसका एक्सपेक्ट करेगी कि इसका रिजल्ट का जो एक्सप्लेनेशन है क्या रहने वाला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द क्लाइंट कैन रीड एन डिस्टेंस ऑफ 20 फिट, वाट ए क्लाइंट विल नॉर्मल विजन कैन डू टू 60 फिट। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी द पेशेंट कंप्लेन नोजिया सीवियर आई पेन इन द ऑपरेटेड साइट, द इनिशियल नर्सिंग एक्शन इज। एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद में जो कैटरेक्ट उसकी सर्जरी हुई है उसके बाद में उसको क्या सीवियर आई पेन है ऑपरेटेड साइड में और नोजिया भी कंप्लेन कर रहा है, तो इनिशियल इसका जो नर्सिंग एक्शंस क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल द फिजिशियंस, क्योंकि अपने को कुछ भी नहीं करना है, कॉल द फिजिशियन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू रिकॉर्ड द आईओपी, जो 10-21 mm ऑफ HG जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है इसका यह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसको रिकॉर्ड करने के लिए। चार ऑप्शन है, गोनियोमीटर, ऑप्थेल्मोस्कोप, स्लिट लैम्प और टोनोमीटर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका रहने वाला है, टोनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट्स विद डिटेच्ड रेटिना, विच असेसमेंट साइन इंडिकेट दैट द ब्लीडिंग इज अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रेटाइनल डिटेचमेंट। तो कौन सा इसका मोस्ट कॉमनली यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो रिजल्ट रेटाइनल डिटेचमेंट का आपको क्या असेसमेंट करना है। कंप्लेन ऑफ ब्रस्ट ऑफ द ब्लैक स्पॉट इन द फ्लोटर्स, सडन शार्प पेन इन द आईज, टोटल लॉस ऑफ द विजन और रेड कंजेक्टिवाइटिस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड बी अकर्स इन द इनिशियल क्लाइंट विथ रेटाइनल डिटेचमेंट। तो डिटेच्ड रेटाइना हुआ है तो उसका इनिशियल जो सिम्टम्स क्या रहने वाला है, फ्लैशिंग लाइट एंड फ्लोटर्स। और तो इसका सबसे फर्स्ट जो राइट आंसर है फ्लैशिंग लाइट एंड फ्लोटर्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द क्लाइंट सस्टेन इज कॉन्ट्यूजन्स ऑफ आईबॉल फॉलोइंग ए ट्रोमेटिक इंजरी विथ ए ब्लंट ऑब्जेक्ट, विच इंटरवेंशन इज इनिशिएटेड इमिडिएटली। तो क्या इंटरवेंशन मोस्ट कॉमनली इसका रहने वाला है, नोटिफाई द फिजिशियन, इरीगेट आई विथ कोल्ड वाटर, अप्लाई आइस टू अफेक्टेड आइज और सेंड द पेशेंट टू इमरजेंसी रूम। तो राइट आंसर से यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन सी, अप्लाई आइस द अफेक्टेड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इन द प्रिपरेशंस फॉर कैटरेक्ट सर्जरी द फिजिशियंस ऑर्डर विच आई ड्रॉप्स टू बी इंस्टिल्ड। तो कैटरेक्ट सर्जरी है तो फिजिशियन कौन सा आई ड्रॉप उसको इंस्टिल करने के लिए आपको बोला जाएगा, द ऑस्मोटिक डायुरेटिक, माइटोटिक एजेंट, एन माइड्रेट्रिक एजेंट, ए थायजाइड डायुरेटिक्स। तो राइट आंसर से यहाँ पे 72 का रहने वाला है, जो कि आपको देखना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, माइड्रेट्रिक एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आफ्टर द सेवरल आई एग्जामिनेशंस द फिजिशियन डॉक्यूमेंटेड द डायग्नोसिस एज ए लीगल ब्लाइंडनेस इन द क्लाइंट चार्ट, द नर्स रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ द स्नेल चार्ट टेस्ट एक्सपेक्टिंग टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लीगल जो ब्लाइंडनेस का जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे देखना है कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। तो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन डी, 20/200। तो 20/200 इसका यहाँ पे राइट आंसर है। लीगल ब्लाइंडनेस क्या होता है कि 10 गुना, ओके, नॉर्मल का जो 10 गुना है वो यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम आफ्टर द केमिकल आई इंजरी फ्रॉम एज प्लास ऑफ द बैटरी एसिड। जो बैटरी एसिड है उसका केमिकल इंजरी यहाँ पे हो चुका है आई के अंदर, तो इनिशियल नर्सिंग एक्शंस क्या रहने वाला है। चार ऑप्शंस है, परफॉर्म विजुअल एक्विटी टेस्ट, इरीगेट द आई विथ स्ट्राइलेनेस, अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और कवर द आई विथ प्रेशर पेज। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला केमिकल इंजरी यहाँ पे बैटरी के द्वारा हो चुका है, तो इसके अंदर ऑप्शन बी का राइट आंसर है, इरीगेट द आई विथ स्ट्राइलेनेस। स्ट्राइलेनेस से उसको आई को इरीगेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, लॉन्ग साइटनेस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस ऑफ द आई
इन द मिडल एंड ओल्ड एज इज कॉल्ड, तो राइट आंसर है यहाँ पर प्रेस बायोप्सिया।